खबरें वही जो दिखे सही। देश के अलीगढ़ जिले में 3 वर्ष की मासूम बच्ची ट्विंकल शर्मा को मुस्लिम समाज के युवक जहीद खान हसलम खान के द्वारा अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। साथ ही उस घिनौने कृत्य के अलावा उस मासूम बच्ची की दोनों आंखों को निकाल दिया और उसके हाथ पैर को काट कर अलग कर दिया और शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। इस घटना के दोनों आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी की सजा दिया जाए, साथ ही साथ उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए एवं आर्थिक सहायता दिलवाई जाए। प्रदेश में आए दिन हो रहे इस प्रकार की घटनाओं से आम जनता शर्मिंदा है। शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार के पाप करने वाले पापियों के विरुद्ध कानून बनाकर सिर्फ और सिर्फ फांसी सजा दिया जाए। इस प्रकार का कानून शीघ्र लागू किया जाए। इस प्रकार के आरोपियों को 7 दिवसीय के अंदर फांसी की सजा नहीं दी गई तो सर्व समाज के द्वारा विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। हमारे संवाददाता जितेंद्र दवे की एक खास रिपोर्ट। मानव सभ्यता की जो सबसे बड़ी एक नरसंहार घटना है उसको सबके सामने हाईलाइट किया है, सारी दुनिया ने देखा है, मगर अभी कोई जो है इस तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कठोर कारावास या फांसी की सजा हो, जिससे पूर्व या आने वाले समय में जो दंड कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, वो हाथ लगाने से पहले, बच्ची को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे। थैंक यू। आज अलीगढ़ में 3 साल की लड़की के साथ ऐसा हुआ था, रैप हो गया उसका और साथ में उसको मार दिया गया। बहुत घिनौनी हरकत हुई है, शर्म के मारे हम कुछ नहीं बोल सकते। आज एक लड़की के साथ ऐसा होता हुआ है, एक कन्या का रूप होती है वो, और उसके साथ ऐसा हुआ है। हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है, उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए और साथ में अगर नहीं दी जाएगी तो सर्व समाज मिलकर हम इसका आंदोलन करेंगे, बहुत ही जल्द इस कड़ी को उठाया जाए। सीमा शर्मा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष के लिए बने रहे 24 टाइम के।